टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सेक्शनल राइट हैंड साइड व्यू फर्स्ट एंगल में ड्रॉ कर रहे हैं। ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहे हैं। सो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू बनाना है। लेंथ 80 है, हाइट 72 प्लस 40 मतलब 20 92 और विड्थ 60। सो 80, 92 और 60 का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू का बॉक्स बनाते हैं। और फ्रंट व्यू में सबसे पहले आपको रेक्टेंगल मिलेगा जिसका हाइट 12 है और लेंथ 80। तो ये हो गया फ्रंट व्यू, ये इसका सेंटर पॉइंट। उसके बाद यहां से स्ट्रेट लाइन, ये कितना हाइट ऊपर है, 72। तो आपको ऊपर 72 जाना है और वहां से रेडियस बनाना है 20 एंड 10। बाद में सेंटर पॉइंट लेके 4 mm मार्क करके हम लोग सीधी लाइन बना देंगे और उसके बाद यहाँ पे टेंजेंट। तो इस प्रकार से फ्रंट व्यू हो गया। उसके बाद टॉप व्यू के लिए फ्रंट व्यू से हम लोग लाइन बनाएंगे और ये हाइट कितना है, 28। तो ये रेक्टेंगल बन गया। अभी उसके बाद साइड में 12 है तो हम लोग यहां से 12 मार्क करते हैं और यहां से लाइन बनाएंगे, ऐसे खींचेंगे। देखो ऐसे लाइन आएगा और जो सर्कल को जो टेंजेंट है उसका मर्जिंग कर्व हमें बनाना है, ये वाला पार्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्रंट व्यू से लाइन एक्सटेंड करेंगे सीधा और जहां पे आएगा वहां पे ऐसा स्लाइट कर्व दिखाना पड़ेगा। देखो यहां से सीधा नीचे जाएंगे, जहां पे आएगा वहां पे स्लाइट कर्व ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा और उसके बाद यहां से लाइन और यहां से लाइन। टॉप व्यू पूरा डार्क आएगा ऐसे, इसमें डॉटेड लाइन बाकी है, ये देखिए। तो ये जो यहां पे ऐसा टी शेप बनेगा ये देखो, ऐसे डॉटेड लाइन आएगी रिब की जो ऊपर से नहीं दिखता वो, और ये जो सर्कल है उसकी भी डॉटेड आएगी। तो इस प्रकार से हमारा टॉप व्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी साइड व्यू देखते हैं। यहां से 28 और यहां से वर्टिकल लाइन। और यहां पे 12 लेके सीधा लाइन बना सकते हैं, ये भी वही, ये देखो यहां तक स्ट्रेट और बाद में छोटा सा कर्व बनाएंगे मर्जिंग कर्व। यहां पे मैं सब लाइट बनाता हूं, ये डॉटेड भी लाइट बनाता हूं क्योंकि यहां पे अभी सेक्शन करना है। तो कितना पार्ट कट हो जाएगा, कितना पार्ट रहेगा वो हमें नहीं मालूम, तो मैं सिर्फ एक
बाउंड्री लाइन जैसा बना देता हूँ, बाद में डार्क करेंगे। तो इसमें मुझे जितना मालूम है उतना तो डार्क कर सकते हैं, तो ये जितनी भी बाउंड्री है वो डार्क कर देते हैं। अब इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ ऐसे कट किया गया है, सेक्शनल फ्रंट राइट हैंड साइड यू अलोंग आरएस। तो ये अपना आरएस हो गया। ये देखिए इसमें सेक्शनल साइड व्यू में इतना पोर्शन हम लोग विजुलाइज करेंगे कि इतना पोर्शन नहीं है तो क्या मिलेगा, तो उस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए ये रिब वन है और ये रिब टू है। तो अगर आप देखेंगे रिब वन में मैंने हैच किया, रिब टू में मैंने हैच नहीं किया, क्योंकि रिब वन पैरेलल कट हो रही है और रिब टू परपेंडिकुलर। इसके लिए जो परपेंडिकुलर कट होती है वहाँ पे हैचिंग आता है, और रिब वन में पैरेलल कटिंग हो रहा है इसलिए उसमें हैचिंग नहीं आएगा। तो ये जो सर्कल वाला पार्ट है वो डार्क हो जाएगा, देखिए वो लाइन निकल जाएगी। ये देखिए ये पूरा डार्क हो जाएगा, और यहाँ पे अभी ये हो गया सेक्शनल राइट हैंड साइड व्यू और उसमें हैचिंग आएगी जैसे मैंने ये डायग्राम में बताई है वैसे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। अगला सम लेके मैं जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।